नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात बिलासपुर में महिला रेल अफसर की संदिग्ध मौत का मामला। घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली लाश, जहां फंदे से उतारकर पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया। रेलवे के कॉमर्शियल विभाग में इंस्पेक्टर पद पर तैनात थी महिला। रेलवे के सीनियर अफसर पर प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। सुसाइड केस मानकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं तोरबा थाना क्षेत्र के एनी कॉलोनी की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, महिला रेल अफसर की संदिग्ध मौत। घर में फांसी के फंदे पर लटकती लाश मिली है और किसी तरीके से पड़ोसियों ने फंदे से शव को उतारकर अस्पताल पहुंचाया। और रेलवे के कॉमर्शियल विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी महिला। सीनियर अधिकारियों पर, सीनियर अफसर पर प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। खबर पिंडरा से, जहां शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तड़के सुबह घर में लगी थी भीषण आग। समय रहते घर वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। पिंडरा के लटकोनी गांव की पूरी घटना सामने आई है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने का मामला है। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तड़के सुबह घर में लगी थी भीषण आग। समय रहते घर वालों ने भाग कर जान बचाई। तो देखिए किस तरीके से आग लगी है और ये देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। मालूम पड़ता है कि कच्चा मकान और इस वजह से जो दीवारें हैं वो तक टूटकर बिखरने से स्थिति में आ गई हैं। पिंडरा का ये पूरा मामला, जहां शॉर्ट सर्किट से घर में अचानक से आग लगी और ये पूरे घर में फैल गई। आगजनी की एक और अहम खबर आई है दुर्ग से, जहां पर खड़ी कार में अचानक से आग लगी। आग से कार जलकर राख हो गई है। दमकल विभाग ने बुझाई आग। तो वहीं भिलाई के स्मृति नगर की एक घटना सामने आई है। कार में आग लगने का खुलासा नहीं हो पाया है। कार में अचानक से आग कैसे लगी, फिलहाल ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, जानकारी नहीं लग पाई है। लेकिन जिस तरीके से आग लगी है, चौंकाने वाली पूरी जानकारी, जहां खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और आग से कार जलकर राख हो गई। दमकल विभाग ने आग बुझाई। भिलाई के स्मृति नगर की घटना है। कार में आग लगने का खुलासा नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में लोगों को बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज और कल अंधड़ गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग की माने तो गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के चलते अगले दो दिनों में तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। विभाग ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना जताई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 9 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। बात राजनांदगांव की करें तो यहां सबसे अधिक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रायपुर और जो है बिलासपुर संभाग में थोड़ा ज्यादा चांस है पानी गिरने का, और जो है एक आध जगह ओले भी गिर सकते हैं। उसके बाद आने वाले जो दिन है, लगभग एक हफ्ते तक जो है हल्की बारिश की संभावना कुछ कुछ जगह पे रहेगा, और जो है तापमान में गिरावट रहेगा। तापमान जो है अभी जैसे 40 के ऊपर चला गया था, वो अभी 35 के आसपास आ जाएगा। ये एक मैंने कहने का मतलब ये है कि ये हफ्ते भर जो है तापमान में वृद्धि नहीं होगी, नॉर्मल रहेगा और अनकम्फर्टेबल रहेगा। इन सब के बीच अंबिकापुर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जिले में घने बादल छाए हुए हैं, तेज गरज के साथ हल्की बारिश हो रही है। वहीं धमतरी में भी सुबह सुबह मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो रही है। मुंगेली के मौसम में भी बदलाव आया है और लोरमी खुड़िया इलाके में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बात पिंडरा की करें तो यहाँ भी कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो आप ये देखें कि मौसम में अचानक से बदलाव हो रहा है, और चूंकि ठंड के बाद अब गर्मी शुरू हुई थी और एकाएक गर्मी पड़ने लगी थी, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन अब कुछ राहत जरूर मिलेगी, हालांकि बारिश के बाद थोड़ी उमस भी होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अंबिकापुर, धमतरी, मुंगेली, पिंडरा, ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बदलते मौसम की। हल्की बारिश के बाद तापमान गिर गया, और आप ये बता दें कि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, उनकी वजह से अन्य क्षेत्रों में भी बारिश के आसार बढ़ गए हैं। तो लगातार मौसम में बदलाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस मौसम का सभी लोग आनंद भी उठा रहे हैं,
और अंबिकापुर से श्रवण महंत, शेख इमरान गरियाबंद से अब्दुल असलम कोरबा से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो अब्दुल आपके पास आते हैं, अचानक से मौसम में बदलाव हुआ, कोरबा में क्या स्थिति है अभी? जो तापमान है वो गिरने के साथ ही सुबह से जो बादल है, घने बादल छाए हुए थे, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। और भीषण जो गर्मी पड़ रही थी, 40 डिग्री 41 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच रहा था, उससे लोगों को राहत मिली है। और मौसम विभाग ने जैसे कहा है कि 2 दिन तक मौसम में इसी तरीके का गिरावट रहेगा और लोगों को जो है गर्मी से राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। और शेख इमरान आपके पास आते हैं, गरियाबंद में कैसा मौसम नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश के आसार यहाँ भी व्यक्त किए गए हैं? जी बिल्कुल, सुबह से चक्रवर्ती तूफान का असर देखने को मिल रहा है और काफी लगभग 50 से 60 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बारिश भी कुछ इलाकों में हुई है, इससे तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आई है। जो 40 डिग्री सेल्सियस के पार चले गया था, अब कहीं जाकर 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है तापमान। और बारिश होने की वजह से अगर बारिश रुकती है तो उमस भी लोगों को झेलनी पड़ सकती है, लेकिन अभी जो मौसम में जो मिजाज बदला, इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, साथ ही किसानों के लिए चिंता बढ़ गई कि अगर बारिश होती है तो उनके फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। एक तरफ हम गर्मी से राहत देख रहे हैं तो दूसरी ओर किसानों को बड़ी परेशानी हो सकती है। और सुबह से मौसम का मिजाज बदला है और कई जगह तो पेड़ गिरने की भी खबर सामने आई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज और कल मौसम इसी तरह रहेगा और कई इलाकों में तेज बारिश, ओलावृष्टि होगी, तो लोगों को एहतियातन बरतने की भी यहाँ पर बात कही गई है और सावधानी बरतने की बात कही गई है। साथ ही सेहत पर भी इसका भी बड़ा असर पहुंच सकता है, क्योंकि लोगों के सेहत पर मौसम में खराबी की वजह से काफी असर देखने को मिल रहा है। और आज सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं, कोहरा छाने की स्थिति है और बारिश जो है कई इलाकों में हो रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल, आप लगातार जुड़े रहे हैं, हालांकि अभी आगे बढ़ते हैं। जी 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 बिल्कुल, लगातार जुड़े रहे। श्रवंत महंत भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण, अंबिकापुर में कैसी स्थिति है मौसम में, यहाँ भी बदलाव देखने को मिला है क्या, यहाँ भी बारिश हो रही है? श्रवण बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ पर धीमी धीमी बारिश हो रही है और तेज हवाओं के साथ गर्जना भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ सरगुजा जिले का अगर तापमान की बात करें तो 38 डिग्री तक पारा चढ़ गया था, लेकिन जिस तरह से मौसम में करवट ली है और घने बादल छाए हैं, ऐसे में गर्मी से जरूर राहत लोगों को मिली है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में इसी तरह के आसार बने रहेंगे और कहीं कहीं पर ओलावृष्टि की भी संभावना देखी जाएगी और बीमारियों का खतरा भी इससे बढ़ गया है। उमस और लगातार जो है अस्पतालों में बीमारियों से मरीज जो हैं गर्मी के दिनों में जो समस्या आ रही थी वो परेशानी भी अभी देखने को मिल रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए तीनों ही जगहों पर तूफान और बारिश के आसार बने हुए हैं। अगली खबर है भूपेश बघेल पर बीजेपी का तंज, जहां बीजेपी ने सोशल मीडिया पर निशाना साधा है। घोटालेबाज भ्रष्टाचारी तो भूपेश बघेल हैं ही, अब तो वो किसी धर्म का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं, ये बातें बोली गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुद्वारे में मोजे और सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। गुरुद्वारे में प्रवेश करने के कुछ नियम हैं जिसे वो नहीं मान रहे हैं। तो आप ये देखिए कि भूपेश बघेल पर बीजेपी ने तंज कसा, और हालांकि भूपेश बघेल का एक वीडियो सामने आया जिसके चलते ये निशाना साधा गया। संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए। तनु, धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं भूपेश बघेल, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। एक वीडियो सामने आया जिसमें वो मोजा पहने हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा जो है धर्म को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है, और इसी बीच में बीजेपी ने जो अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर भूपेश बघेल पर निशाना साधा है, जिसमें लिखा हुआ है कि घोटालेबाज भ्रष्टाचारी तो भूपेश बघेल है ही है, इसके अलावा अब वो धर्म का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। और दरअसल इस वीडियो में ये दर्शाया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है गुरुद्वारे में मोजे और सिर पर टोपी लगाए हुए नजर आ रहे हैं, और गुरुद्वारे में प्रवेश करने के कुछ नियम होते हैं जिससे हम सभी परिचित हैं, और ऐसे में उसको भूपेश बघेल जो नहीं मान रहे हैं, इसको लेकर भाजपा ने जो है तंज कसा है भूपेश बघेल पर। इसके साथ ही बीते दिनों पोस्टर को भी लेकर
एक धर्म का ही मुद्दा फिर से सामने आया था, जिसमें ये था कि राजनांदगांव की जनता साधारण जिन्होंने श्री राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया था, अब वो वोट मांगने आ रहे हैं। तो लगातार धर्म को लेकर भाजपा जो है कांग्रेस पर हमलावर रही है। कल भी डिप्टी सीएम अरुण साहू का बयान इस मुद्दे को लेकर आया था, वहीं आज भाजपा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक बार फिर भूपेश बघेल पर धर्म को लेकर निशाना साधा है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो धर्म को लेकर भूपेश बघेल निशाने पर हैं बीजेपी के। और पीएम मोदी का बस्तर दौरा कल होने वाला, जहां नारायणपुर में चुनावी सभा संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 5 विधानसभा क्षेत्रों के हजारों ग्रामीण सभा में शामिल होंगे। बस्तर सीट पर 19 अप्रैल को चुनाव है और इसके चलते तमाम तैयारियां की जा रही हैं। पहले चरण में ही बस्तर में मतदान होना है और इसकी तमाम तैयारियां बीजेपी की तरफ से जोरों शोरों से हैं। और कल नारायणपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 विधानसभा क्षेत्रों के हजारों ग्रामीण सभा में शामिल होंगे। तो देखिए कि तमाम तैयारियों के साथ बीजेपी कमर कस चुकी है बस्तर में जीत हासिल करने के लिए। और यहाँ पर कई बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे जब चुनावी रैलियां होनी हैं और प्रधानमंत्री मोदी बस्तर के दौरे पर आने वाले हैं। और आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के दौरे कई बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं। जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें प्रधानमंत्री का नाम सबसे आगे, राष्ट्रीय स्तर पर जितने बड़े चेहरे हैं वो भी आपको नजर आएंगे। और हाल ही में गृह मंत्री का भी दौरा रहा है। और चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, आप देखेंगे कि चुनावी समर में प्रत्येक स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री का नाम सबसे अव्वल है। तो देश में और साथ ही प्रदेश में किस तरीके से काम किए गए हैं, बीजेपी ने क्या काम किए, क्या योजनाएं लेकर आए हैं और आगे किस तरीके से जनता के हित में काम करना है, तमाम उन बातों का जिक्र। और विपक्षी दलों ने क्या राहत दी, क्या वादे किए, क्या वादे पूरे किए और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पर निशाना साधना है। तो ये बस्तर के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी आने वाले हैं। 13 अप्रैल को राहुल गांधी करेंगे बस्तर का दौरा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी छत्तीसगढ़ आएंगे। तो बस्तर के चुनावी दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। 13 अप्रैल को राहुल गांधी करेंगे बस्तर दौरा, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी आएंगे छत्तीसगढ़। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बस्तर के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी आने वाले हैं। बस्तर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। कड़ी सुरक्षा के बीच इस घोर नक्सली इलाके में चुनाव कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी तक 200 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां बस्तर पहुंच चुकी हैं। बॉर्डर से सटे इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जवानों को संवेदनशील इलाकों में तैनात करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि बस्तर संभाग के 6 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बस्तर लोकसभा सीट पर 19 और कांकेर लोकसभा सीट पर 26 तो मतदान होना है। तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके लिए 200 कंपनियां बस्तर पहुंच चुकी हैं। सभी व्यवस्था को जो सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संबोधित करने के लिए सभी प्रकार के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जा रही है। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बाहर से आवंटन हुआ है उसका आना जाना का सिलसिला शुरू हो गए थे। जो सुरक्षात्मक कारण से एग्जैक्ट डिटेल्स अभी हम संख्यात्मक नहीं बता पा रहे, लेकिन जो पर्याप्त बल हमको ऑलरेडी अवेलेबल है, साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी आवंटन हुआ उसको लेकर सभी प्रक्रिया को अच्छे तरीके से संबोधित करने के लिए आज एक बैठक भी हुआ, उस पर काफ़ी डिटेल से चर्चा भी हो चुकी है और हमें पूरा विश्वास है ये चुनाव प्रक्रिया। और अब खबर रायपुर से, जहां चुनाव प्रचार के रण में सीएम साय सीएम विष्णुदेव ने तेज किया चुनाव प्रचार। आज गृह जिला जशपुर में करेंगे चुनावी रैली। पत्थलगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 4 बजे राजधानी रायपुर लौटेंगे सीएम साय। अंबिकापुर में पूर्व पार्षद सहित 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सड़क किनारे जुआ खेलते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए और ताश पत्ती जब्त की गई है। कोतवाली के बेचैन कॉलोनी का यह पूरा मामला सामने आया है। तो खबर अंबिकापुर से है, जहां पर पूर्व पार्षद सहित 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
सड़क किनारे जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। 50,000 रुपए और ताज पत्ती भी जब्त की गई है। और चलिए बात पहले बात प्रकृति की अजब गजब कहानी की। दरअसल एक हैंडपंप ऐसा है जिसे बिना चलाए पानी आता है। एक या दो दिन नहीं बल्कि पूरे 15 साल हो गए हैं और इस हैंडपंप से लगातार पानी निकल रहा है। पहले यहाँ लोग पानी के लिए परेशान होते थे लेकिन अब पानी की कोई समस्या नहीं है। क्या है खबर इस रिपोर्ट में देखिए। गाँव में चमत्कारी हैंडपंप, बिना चलाए हैंडपंप से पानी, 15 साल से निकल रहा है पानी। 15 साल के आसपास हो गई है, मतलब यह ऑटोमेटिक निकला थे मान ले। प्रकृति की अजब गजब कहानी। एक तरफ भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं तो दूसरी तरफ एक गांव में ऐसा चमत्कारी हैंडपंप है जिसे बिना चलाए ही आप पानी ले सकते हैं। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको यकीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस गति से पानी निकल रहा है। ये गांव जांजगीर चांपा जिले के बालौदा ब्लॉक का है। देवरहा गांव हसदेव नदी तट पर बसा हुआ है। पिछले 15 साल से इस हैंडपंप से ऐसे ही पानी निकल रहा है। लोग इसे प्रकृति का चमत्कार मान रहे हैं। ये 15 साल ऊपर होगी सही है, मतलब पानी अमल है, मतलब प्राकृतिक टाइप से अपने आप यहाँ पानी निकला थे। कोई मशीन वशीन कुछ नहीं लगे है, पूरा मोहल्ला के पूरा सब हम उपयोग करा था पानी के। अच्छा है और जो भी पानी बचा था तालाब में जाते थे। मतलब 15 साल के आसपास हो गए है, मतलब यह ऑटोमेटिक निकला थे मान ले। अरे मान ले तालाब सीधा नंदिया जाते, तालाब ले नंदिया दोनों पार होते। कहा जाता है कि पहले गांव में पानी की समस्या थी लेकिन जब से ये हैंडपंप लगा है गांव में पानी की कोई समस्या नहीं। एक अकेला हैंडपंप पूरे गांव के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। बताते हैं गांव वाले कि यह मीठा है और अत्यंत वरदान साबित हो गया है। इससे पहले गांव में कई तरह की पानी की समस्या की किल्लत झेलनी पड़ती थी। जब से यह नल खुदाई हुआ है तब से लगातार अनवरत इसी तरह इसी रफ्तार में 12 महीना पानी भर रहा है और शुद्ध पानी है और मीठा भी है, किसी तरह के कोई समस्या नहीं है। चूँकि यह नदी के तट होने के कारण अन्य जगह पे पानी की समस्या है लेकिन इस नल के खुदाई के बाद गांव में पानी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई है और गांव के लिए वरदान साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में हैंडपंप से पानी निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं। इस पूरे क्षेत्र में गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत देखने को मिलती है। हैंडपंप से लगातार निकल रहा पानी लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जांजगीर चांपा से कैलाश कश्यप, News 18। अंबिकापुर के व्यवसायी को फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराकर 7,35,000 रुपए की ठगी कर ली गई। व्यवसायी ने जब पैसा निकालना चाहा तो पैसे नहीं निकले। व्यवसायी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस एवं साइबर सेल की टीम ने नागपुर के महाराष्ट्र से ठगी के आरोपी 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने 9 मोबाइल, चेकबुक और सिम कार्ड भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारा वार्ड निवासी व्यवसायी गुरभेज सिंह छाबड़ा ने 15 दिसंबर 2023 को ट्रेडिंग ग्रुप गोल्डन सत्य एक्वालिटी एसेट्स मैनेजमेंट ग्रुप 356 में ज्वाइन किया था और उस ग्रुप से जुड़े लोगों ने उन्हें प्रलोभन देकर फर्जी ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताते हुए GSIN ट्रेडिंग फर्जी ऐप को डाउनलोड कराया और ठगी को अंजाम दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश टिपकन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें उन्होंने दिल्ली में शराब घोटाले में जेल गए आप नेताओं को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा जो घोटाले के खिलाफ आए थे वही घोटाले में लिप्त हो गए। मनोज भाई, हरिवंश राय बच्चन जी की ने लिखा था कि मेल कराती मधुशाला, दिल्ली में मधुशाला जेल करा रही है। क्या हो रहा है ये? देखिए मधुशाला, उसके बारे में बहुत सारे आयाम हैं, लिखे गए हैं, लेकिन मधुशाला का घोटाला ये उस व्यक्ति ने कर दिया जो आया ही था कि घोटालों का दुश्मन हूं मैं, जो उसका संस्था का अभियान ही था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और वही करप्शन में ऐसा लिप्त हो गए हैं कि जितने दिन की पार्टी हुई आम आदमी पार्टी उतने कम उम्र में इतना बड़ा घोटाला आज संसार में किसी राजनीतिक पार्टी का और किसी व्यक्ति का।
तो दोपहर 2:30 बजे देखिए मनोज तिवारी का पूरा इंटरव्यू। कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था कि मेल कराती मधुशाला, दिल्ली में मधुशाला जेल करा रही है। मधुशाला का घोटाला ये उस व्यक्ति ने कर दिया जो आया ही था कि घोटालों का दुश्मन हो, और उनकी कई बार गालियां हैं जब उन्होंने कहा था दिल्ली मनोज तिवारी के बाप की नहीं है। अरे भाई बाप तक क्यों चले गए? अब तो सोनिया जी और सुनीता जी एक साथ एक मंच पे बैठे अगल बगल की सीट। क्या अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। तब अफसोस होता है कि बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन पार्टी संगठन ने बहुत काम दिया हुआ है। वो अभी भी बीमार है। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में, और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह कि इसमें हम वोटर का नाम और उसका पता भी बताएंगे, उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत, देखते हैं वोटर बोलता है में वोटर की क्या है राय खास। बट हम लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय में बेरोजगार युवा स्वास्थ्य के प्रति अधिकतर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छी है, खास करके युवा बेरोजगारों के लिए। इतना ही कहना चाहता हूँ, बड़ा उम्मीद है आने वाले सांसद महोदय से कि कृपया इसे और ध्यान दें, है ना। लेकिन अब जो जीत के जो भी मान लो जो सांसद आएंगे तो उनसे ये अपेक्षा है कि मंडला जिले का अच्छा विकास हो, और अपने जो मंडला में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, और भी मतलब हाई एजुकेशन के लिए जो बच्चे बाहर जाते हैं अपने माँ बाप से दूर होते हैं, तो कम से कम मंडला जिले में ये सब सुविधाएँ होना चाहिए, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर होना चाहिए, वर्तमान में जो बेहतर नहीं है तो ये सब सुविधा होना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे आने वाले सांसद जो भी चुनकर आए वो मंडला लोकसभा क्षेत्र का जो है विकास कार्य करें, जिससे युवाओं को रोजगार मिले, फैक्ट्रियां मिल जो है वो यहाँ पर स्थायी रूप से खोली जाए, है ना, रोडों की कनेक्टिविटी अच्छी हो, है ना, रेल सेवाओं का विस्तार हो, और मेडिकल के क्षेत्र में भी और सुधार होना चाहिए, शिक्षाओं के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए जिससे युवाओं का जो है कल्याण हो और बेरोजगारी दूर हो सके, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर बाहर पढ़ने जाते हैं, पलायन करते हैं। तो मेरी उनसे उम्मीद है कि यहीं पर सब संसाधन खोले जाएं जिससे छात्र ही रहकर जो है अपनी पढ़ाई का कार्य कर सकें और उनको रोजगार के अधिक से अधिक मौके मिले। जो है मंडला जिले के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, अब जीत करके जो भी सांसद महोदय आते हैं तो मेरी उनसे विनम्र निवेदन, विनम्र प्रार्थना यही रहेगी कि सबसे पहले वो सांसद महोदय मंडला टू जबलपुर का रोड क्लियर कराएं, इसके बाद में मंडला जिले के अंदर कुछ फैक्ट्रियां लगाएं ताकि मंडला के जो बेरोजगार वर्ग हैं उनको कुछ लाभ मिले। अब वो कहाँ जबलपुर मजदूरी करने जाएंगे, तो मंडला जिले के अंदर ही कुछ ऐसा कराएं कि वो सरकारी नौकरी की तरफ ना भागें, फैक्ट्री में जाकर के कुछ करें। अभी जो है काफी सुविधाएं जो है नहीं, मतलब रोड या जैसे मां नर्मदा में दूषित पानी जा रहा है, और वर्तमान में सिद्धनाथ टेकरी जो सिद्धनाथ मंदिर जो काफ़ी धार्मिक है और उसकी ओर प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए, सड़कें हैं जिनमें अनावश्यक ट्रैफिक चक्का जाम सब बना रहता है। इसी तरीके के कार्यकाल में जो भी सांसद आए तो वो इस ओर थोड़ा ध्यान दें। तो देखा आपने, इसी तरह आप भी अगर अपना कोई मैसेज चाहते हैं टीवी पर देखना तो इस नंबर पर भेजिए अपना संदेश, हम उसे दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर आपके नाम और पति के साथ। तो देर मत कीजिए, फटाफट रिकॉर्ड कीजिए और व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7815929855। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें।